बेटा हम लोगों ने विराम चिन्ह आज डिस्कस करने हैं, ओके? विराम चिन्ह क्या होते हैं कोई बताएगा मुझे? पंक्चुएशन मार्क, ओके? विराम चिन्ह यानी कि जब हमने कोई बात कहनी है तो हम बीच में कहीं रुकते हैं, कभी हम ज्यादा रुकते हैं, कभी हम थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली हम पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई बात खत्म हो जाती है, बात खत्म होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, ओके? पूर्ण विराम। जब बात खत्म हो जाती है, कोई सेंटेंस खत्म हो गया, तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक? उसके बाद अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, राइट? नेक्स्ट है अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब सेमी कॉलन। बिल्कुल लगाकर नीचे कॉमा। जब बिल्कुल थोड़े से समय के लिए रुका जाता है वहां पर अर्ध विराम, राइट? प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क। जब हमें पता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक कहां यूज होता है? विस्मय आदि बोधक संबोधन के लिए और किसी को संबोधन और बुलाना एक ही बात है, और हैरानी, दुख, शोक, खुशी उसको प्रकट करने के लिए। वाह हम जीत गए, वाह के बाद विस्मय आदि बोधक, ठीक है? जब हम फीलिंग को शो करते हैं वहां पर। नेक्स्ट इज योजक। योजक मतलब हाइफन। जैसे दिन रात, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इसके अलावा जैसे सास ए सी का प्रयोग करना होता है, जैसे देखना थोड़ा सा दूध ले रहा हूं, थोड़ा सा, इसके बीच में योजक, ठीक है? जैसे धीरे धीरे, तो वो एक जैसे शब्द है, उनको लिखने के लिए उसके बीच योजक चिन्ह। धीरे धीरे, ऊपर नीचे, माता पिता, क्लियर? नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। जब हमने कुछ एक्सप्लेन करना है या कोई निर्देश देना, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये छोटी सी बिंदी, जैसे हम लोग लिखते ना प्रश्न उत्तर, प्रश्न ऐसे लिखते हैं ना, हमने पूरा नहीं लिखा प्रश्न, एब्रिविएशन लिख दी ऐसे, ठीक है? उत्तर हमने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया एब्रिविएशन, एब्रिविएशन लिखने के लिए। ये जीरो नहीं होता या ऊ नहीं होता, ये होता लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन सीखी जाती है। जैसे पंडित, पूरा पंडित नहीं लिखा, डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, हिंदी लगा ली, लाघव चिन्ह एब्रिविएशन। त्रुटि सूचक चिन्ह, इस
इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को समझने की। त्रुटि सूचक, ऐसा लगता है त्रुटि सूचक, इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने देखा है अक्सर आप कॉपी में काम करते हो, कोई वर्ड आपका गलत हो गया, आप क्या करते हो? मैं लिख रहे हैं यहाँ पे वर्ड ये ब्रैकेट बनाते करते हैं ना, है ना? आपने किया होगा कॉपी में, या नीचे ये लगाया कहाँ पर करते हैं ऐसा, ठीक? या नीचे लिखा, है ना? नीचे नहीं लिखा जाता, जब आपसे कोई गलती हो जाए या आपसे कोई वर्ड छूट जाए तो आपने नीचे नहीं, आपने यहाँ लिखा। जैसे हम लिख रहे हैं मीरा पुस्तक खो गई, मेरा पुस्तक खो गई। अब इसमें की मिसिंग है, की मिसिंग है ना, आप लोग क्या करोगे, या एरो डालोगे या ऐसे करके लिखोगे या क्रॉस में आके यहाँ लिखोगे। अक्सर ऐसा करते हैं, ये गलत है, नीचे नहीं लिखना। आपने हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी काम कर रहे हैं, ये हर जगह ये काम आता है, ठीक है? आप यहाँ से ऐसे लगाओ, नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखा जाता है। आप लोगों को जब कॉपी चेक ऊपर मिलती है तो आपने कभी नोटिस किया टीचर्स ने ऊपर लिखा होता है नीचे नहीं लिखा होता, नोटिस किया? या मार्जिन लाइन के इधर लिखा होता है, कोई वर्ड आपका गलत हो जाता है तो मार्जिन भी उधर लिख सकता हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं लिखनी। अगर ऐसे कोई वर्ड मिस हो जाता है तो उसको ऐसे एरो डाल के ऊपर लिखा, देखा है कभी? नोटिस किए ये बात? नहीं किया नोटिस, नेक्स्ट टाइम करना, ठीक है? वो क्यों है? क्योंकि ये पंक्चुएशन मार्क है, विराम चिन्ह है ये, अगर कोई गलती हो जाए तो आपने ऐसे क्लियर। यस मैम। एक और, ये जो राघव जी ने इसको हंस पद भी कहते हैं, ठीक है? आपके बुक में हंस पद भी है, हंस पद, इसको जरूर यूज करो, ये मैक्सिमम यूज होता है नोटबुक्स में जब आप काम करते हो, पहले तो यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, काम ये चरम पे लिया जाए, ठीक है? लेकिन ये आपकी गलती को ठीक करने के लिए, ठीक है? उसके बाद एक चिन्ह दिया है आपकी, दिया हुआ स्टार, स्टार बनाया हुआ है ना, है ना? उसका क्या मतलब है, स्टार का क्या मतलब है? अगर बीच में कोई लाइन छूट जाती, आप लिख रहे हैं, मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दी थी व्हाट्सएप मैसेज, है ना? आपने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पर, उसमें आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया, अब वहां पर हम ये तो यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या करते होते हैं, उस वर्ड को लिख लेते हैं उसके साथ स्टार बना, उसके पहले भी और उसके बाद में बनाते हैं ना कि ये वर्ड करेक्ट कर लिया जाए, इस वर्ड में स्पेलिंग है, हम वो स्पेलिंग ठीक से लिख करके इसमें कर देते हैं। ये आपकी नोटबुक्स में यूज नहीं होगा, ये उसमें नया ऐड हुआ है, ये सिर्फ आपके व्हाट्सएप वगैरह के लिए, ऑफिस में कहीं इसको यूज नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद आपकी कोई लाइन छूट गई, उसमें बीच में कोई लाइन छूट जाती है, आपने कुछ लिखा, कोई मैसेज लिखा, कोई लाइन छूट गई, ठीक है? तो आप क्या करोगे, स्टार डालोगे, उस मैसेज को भी दोबारा करोगे, स्टार लिखोगे, फिर पूरी लाइन लिखोगे, फिर स्टार दोबारा से डालोगे कि ये लाइन छूट गई थी, इस लाइन को भी ऐड किया, ठीक है? ये यूज है, ये सारे
राम जी ने। हाँ जी नहीं आपने लिखो कैसे वो मैंने आपको पहले ही कह दिया ये सिर्फ आपके डिजिटल मीडिया के लिए वैसे नहीं है। अगर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं तो लाइन छोड़ के आप स्टार बना के लिखते हैं नो अ बिग नो ठीक है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप ये यूज नहीं करोगे क्लियर। इसमें कोई और डाउट किसी को? उसके बाद है पोस्टर। पोस्टर आपको चुने व भेद में बोला जाता है ना पोस्टर में दिए अनुसार चुने व भेद बताते है ना। लाइन लिखी होती है उसमें आपको बता देते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी आपने चुनना है ब्रैकेट में लिखा हो उस ब्रैकेट को कहते हैं पोस्ट। ये आपको मतलब इसका पता होना चाहिए कहीं भी ब्रैकेट में कोई यूज किया कोई पोस्टर वर्ड यूज आया मींस ब्रैकेट तो ब्रैकेट में लिखा ब्रैकेट कोई भी हो सकते हैं मैथ्स में भी आपको मिलता है ये सबसे बड़ी वाली सबसे छोटी वाली ये सबसे बड़ी वाली सबसे छोटी वाली सबसे छोटी ये वाली कर्ली ब्रैकेट कौन सी होती है मिडल में ये सबसे बड़ी वाली होती है ये मिडल में होती है ये सबसे छोटी वाली ठीक है। तीन तरह की ब्रैकेट्स होती है जिसको हिंदी में कहते हैं राइट। उसके बाद होते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आते ही करो उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह क्या होते हैं याद है किसी को? नो जिसको हम कहते हैं इनवर्टेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा एंड सिंगल इनवर्टेड कॉमा यही कहते हो है ना। किसी की बात को एज इट इज कहने के लिए इसका यूज होता है डबल इनवर्टेड कॉमा राइट और किसी चीज को कुछ खास दिखाने के लिए सिंगल इनवर्टेड कॉमा जैसे यह कविता राम हरी सिंह जिक्र की रचना है तो जिक्र को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा राइट कुछ स्पेशल दिखाने के लिए पर ये नहीं आपने कुछ स्पेशल लिखा तो वर्ड लिखा तो आप कॉमा डालो नो आप मेनली ये वाली ब्रैकेट की जैसे माता जी ने कहा आपकी मैं आऊंगी माता जी ने कहा था कि मैं आऊंगी राइट माता जी ने कहा था कि जब किसी की बात को आपने एज इट इज बताना है तो उद्धरण चिन्ह जिस बात से शुरू किया वहां से शुरू करना है और पूर्ण विराम के बाद खत्म करना उससे पहले पूर्ण विराम लगाकर फिर आपने लगाना ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आप उद्धरण चिन्ह लगा दोगे फिर उसके बाद विराम चिन्ह लगाओगे पूर्ण विराम लगाओगे नो। अगर कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात है तो पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा बाद में कॉमा बंद होगा इंग्लिश में भी ऐसे ही करते हैं ना पहले फुल
स्टॉप लगाते हैं फिर कॉमा क्लोज करते हैं, राइट। सेम हिंदी में भी पहले पूर्ण विराम लगेगा या प्रश्न सूचक तो चिन्ह लगेगा, उसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद हो जाएगा। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ओके फाइन, गुड। अब एक्सरसाइज देने लगी हूँ, सॉल्व करो। नहीं, इसमें है एक्सक्लामेटरी। क्योंकि ये हमारे यूज में नहीं है, ठीक है? ग्रामर बुक है किसी के पास? कार वाले को कहते हैं विस्मरण, विस्मरण मतलब याद नहीं आना। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो वहां पर लगाया जाता है विस्मरण। ओके, सेंटेंस दे रही हूं, सेंटेंस में आप लोगों ने विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक। सब लोग नोट करते रहो। अब देखो, हो सकता है आपको तीन चार सेंटेंसेस दिए हो जिसमें आपने विराम चिन्ह लगाना है, ठीक है? या हो सकता है एक ही सेंटेंस हो इसमें तीन चार विराम चिन्ह लगा दिए, ठीक। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर हम गड़बड़ करते हैं, जैसे ये विराम चिन्ह लगाए, दो सेंटेंस दिए, पहला ये, दूसरा ये। दिस इज टोटली रॉन्ग। टीचर डजंट नो कि आपने विराम चिन्ह कहाँ लगाया है। दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, क्या लगाएंगे आप? आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद जहां विराम चिन्ह लगना है वहां विराम चिन्ह लगाएंगे। क्लियर? ऐसे नहीं लिखना है। विराम चिन्ह लगाए का मतलब है कि आपने पूरा सेंटेंस लिखा, उसके बाद जहां विराम चिन्ह लगना है वहां लगाना है। एक बार बच्चे पूछ रहे हैं विराम चिन्ह का क्वेश्चन लिखना है, विराम चिन्ह का क्वेश्चन नहीं है। विराम चिन्ह आपको सेंटेंस दिया, आप लिखेंगे विराम चिन्ह के लिए, सेंटेंस लिखेंगे फिर विराम चिन्ह उसमें लगाएंगे। क्लियर? कई बार बच्चे कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको, पहला ये है प्रश्न सूचक, दूसरा ये है पूर्ण विराम। टोटली रॉन्ग, ये भी नहीं करो। आपको सिर्फ विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखे, ये दिया है, ये दिया है, फिर आप ये लिखेंगे, ये प्रश्न सूचक है, ये पूर्ण विराम। ऊपर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर विराम चिन्ह दिए हैं और कहा है कि ये बताओ कौन सा विराम चिन्ह है, तो आप नाम लिखोगे ऐसे करके।
अगर लिखा है विराम चिन्ह लगाए और सेंटेंस दिया है, सेंटेंस देने का मतलब है कि आपने उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, सेंटेंस लिख कर। ये गलती कोई नहीं करेगा कि सिंपली आपने विराम चिन्ह लिख दिया या विराम चिन्हों के नाम लिख दिया। नो, ओके। चलिए नेक्स्ट नोट करिए। विराम चिन्ह लगाकर फिर नाम लिखने अगर सेंटेंस पूरा लिखना हो। आपसे पूछा उन्होंने, आपसे पूछा कि विराम चिन्ह लगाकर ऊपर नाम बताइए। जो क्वेश्चन पूछा है वो करना है, जितना पूछा है। तभी मैंने कहा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन में लिखा है वो काम करो। अगर लिखा है विराम चिन्ह लगाए तो सेंटेंस लिखो, उसमें विराम चिन्ह लगा दो, बात करो। अगर उसमें लिखा है कि विराम चिन्ह लगाकर उसका नाम बताओ तो विराम चिन्ह लगा दो और नाम बता दो। क्वेश्चन रीड करना है कि क्या लिखा हो। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट से लिखाओ, ऑनलाइन स्टूडेंट से लिखाओ। ओके फाइन। Note it down. Note कीजिए। कहां प्रॉब्लम आ रही है? यहां अभी एक समस्या आई कि मैम
यहाँ पर लायक के आना चाहिए, अंश पद लगना चाहिए और लायक के आना चाहिए, क्या यह होना चाहिए? क्यों? उसके पास किताब, पेंसिल, कॉपी और खिलौने थे। सेंटेंस ठीक है, लेकिन आपके अनुसार सेंटेंस गलत है। आपके अनुसार यहाँ पर होना चाहिए हाथ पर लगाकर लाए, क्योंकि अपने पास को पापा पढ़ लिया, आपने पास को पापा पढ़ लिया, उसके पापा किताब, पेंसिल, कॉपी और खिलौने लाए थे। ठीक है, आप कह रही हैं कि लाए थे, क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत पढ़े हुए थे, पापा ने लिखा पास लिखा हुआ। ठीक है, रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है एग्जाम में, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन ध्यान से रीड करके अटेम्प्ट करो। राइट, क्लियर? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक इट आउट, ऑनलाइन स्टूडेंट चेक इट आउट, नो, ओके, गुड। चलिए आइए हार्दिक, नेक्स्ट लगाइए। बस ओके, क्या ये ठीक है? नो मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, कौन बताएगा? ओके, यस जसली, जसली बताइए बेटा। मैम की के बाद अल्पविराम आएगा और फिर उसके बाद जल्दी आ जाना के पहले उदाहरण चिन्ह लगेगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अरुण बताइए, लगाइए यहाँ पर। जल्दी आ जाना, वो हाईलाइट करना मतलब। ये तो मैंने कहा ही नहीं, विराम चिन्ह पढ़ाते हुए मैंने कहीं ये बताया नहीं किसी चीज को हाईलाइट करना। मैंने ये कहा था किसी की कही हुई बात को जब हम एज इट इज बताते हैं वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो। किसी की कही बात को, किसी का आप नारा लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, पिताजी ने कहा था जल्दी आ जाना, कॉमा उनकी बात को इन्वर्टेड कॉमास में, किसी की कही हुई बात को जब हम एज इट इज बताते हैं तो उसे हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। क्लियर? चलिए खुशी, नेक्स्ट। मेरा भाई दिन रात पढ़ता रहता है, ओके ठीक है ये? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट ओके? मेरा भाई दिन रात पढ़ता रहता है, ओके। दिन रात में योजक चिन्ह, सेंटेंस खत्म होगा तो पूरा, ओके। आशिमा नेक्स्ट, और कुछ? हाँ जी। अरे तुम कब आए? अरे हैरानी, तुम कब आए? क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट में का? ओके, डू नॉट लीव द क्लास प्लीज, यू हैव टू रिवाइज इट, ओके।